हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट विद चिंटू में। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एनटीपीसी ट्रैवल पास के पार्ट 4 लेकर। दोस्तों इसमें आपको जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, आपके जितने भी कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके जितने भी ट्रैवल पास से रिलेटेड और एनटीपीसी में जितनी ट्रैवल से दिक्कत आ रही है, उन सभी सवालों के आप इसमें वीडियो में जवाब मिलेंगे आपको। दोस्तों बहुत सारे मेरे जो पहली वाली वीडियो थी उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, जिनका रिप्लाई करना अब दोस्तों बहुत टाइम लग जाता है उन सभी को रिप्लाई करने के लिए। लेकिन पर उन सभी के क्वेश्चन कॉमन ही हैं, सभी के क्वेश्चन एक जैसे ही आ रहे हैं। तो दोस्तों उन सभी कॉमन क्वेश्चन के मैं इस वीडियो में जवाब दे रहा हूं और इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप ट्रैवल करेंगे, कैसे आप जा सकते हैं, रिजर्वेशन नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप दोस्तों वीडियो को अंत तक नहीं देखते तभी से दोस्तों आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती है। मैंने तीनों वीडियो डाली थी, आप तीनों वीडियो में कई भाई पूरी वीडियो नहीं देखते और कमेंट कर देते हैं कि भाई मुझे ये दिक्कत हो रही है। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखा करें। मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो पहले एनटीपीसी ट्रैवल पास से पहले मैंने तीन वीडियो डाली हुई है, उसमें से पहली वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम सवाल लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है और सभी भाइयों को यही सवाल आ रहा है, यही दिक्कत आ रही है। वो है कि दोस्तों आप अपना ट्रैवल पास डाउनलोड कर जब अपने स्टेशन पर जा रहे हैं, नज़दीकी स्टेशन पर रिजर्वेशन कराने के लिए, तो रेलवे स्टेशन के जितने भी कर्मचारी हैं वो आपसे मना कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं हो रहा है, एनटीपीसी ट्रैवल पास वाले स्टूडेंट का हम रिजर्वेशन नहीं कर रहे हैं, हमसे रिजर्वेशन करने की नहीं कहा गया है। तो दोस्तों वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, इसका जवाब ये है कि लॉकडाउन में ट्रेनें बहुत कम चल रही हैं। पहले अगर ट्रेनें एक स्टेशन से 100 ट्रेन चलती थी तो वो अब इस समय मात्र 5 या 10 ट्रेन ही चल रही हैं। तो दोस्तों एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो करीब 2-3 महीने तक चलने वाला है। अगर 2-3 महीने तक वो एनटीपीसी वाले के रिजर्वेशन करते रहे तो उसमें जो पैसेंजर हैं वो जाना है, उनके लिए सीट नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों पहले वो उनके लिए सीट कंफर्म कर रहे हैं, उनका रिजर्वेशन कर रहे हैं, इसलिए आपका रिजर्वेशन नहीं हो रहा है। लेकिन पर इससे पहले जब लॉकडाउन नहीं था तब रिजर्वेशन होते थे, इसमें जब रिजर्वेशन कर देते क्योंकि बहुत पूरी ट्रेन जब चलती थी, अब रिजर्वेशन नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका ये कारण है। अब दोस्तों रिजर्वेशन नहीं कर रहे तो आपको करना क्या है, तो मैं आपको सीधा सिंपल फंडा बताऊँ, आपको कुछ नहीं करना है। और वैसे आपको रिजर्वेशन कराने जाना भी नहीं है, जब आपको पता है कि रिजर्वेशन हो नहीं रहा है तो आप जाएं भी ना स्टेशन पर। आपको अपना एक काम करना है, आपको अपना ट्रैवल पास डाउनलोड करना है, ट्रैवल पास को एक प्रिंट निकलवा लेना है, प्रिंट निकलवा कर उसको लेकर जाना है जब आपका पेपर हो, जिस दिन आप पेपर देने जाएं, और उसके साथ अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाएं, कास्ट सर्टिफिकेट और ट्रैवल पास, और जो अपने सामान ले आते हैं आप आईडी प्रूफ ले आते हैं जो एग्ज़ाम के टाइम पर, वो तो आप साथ लेकर ही जाएं। तो ये चीज़ आप लेकर जाएं और आप किस जो सेकंड क्लास के स्लीपर डिब्बे होते हैं उस पर जाकर बैठ जाएं, आप ट्रैवल आराम से कर लेंगे जहाँ से जाना हो वहाँ तक। दोस्तों ये हो गया आपका पहला सवाल जो कि कॉमन सवाल सभी का था। अब दोस्तों दूसरी बात करते हैं, आपके एग्जाम सिटी पर जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक जैसे कि आपको दिया गया है जो ट्रैवल पास में लिखा आया है, वहाँ से आपके लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। बहुत सारे भाई हमारे बता रहे हैं कि भाई मेरा एग्जाम मथुरा से आगरा आया तो मथुरा से आगरा के लिए, या फिर मथुरा से मुंबई आया है तो वहाँ तक के लिए, मुंबई तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन कोई भी नहीं है। ट्रेन है, पहले आपको मथुरा से दिल्ली जाना होगा, दिल्ली के बाद आपको मुंबई जाना होगा। तो क्या हम ट्रेन बदल बदल के जा सकते हैं या फिर हम बदल बदल कर रिजर्वेशन करा सकते हैं? तो दोस्तों आप रिजर्वेशन तो डायरेक्ट मुंबई से मथुरा से मुंबई तक का ही करा लें। आप ट्रेन कितनी भी बदल बदल कर जा सकते हैं, अगर आपको बीच में रास्ते में जाने के लिए 5 ट्रेन भी बदलनी पड़े तो आप ट्रेन बदल कर जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी रूट डायरेक्ट भी मिल जाता है और कभी कभी डायरेक्ट रूट भी नहीं मिलता है, दूर दूर से भी रूट मिलते हैं छोटे छोटे। तो आप रूट को तोड़ तोड़ कर जा सकते हैं। अगर आपको देहरादून जाना है दिल्ली से, और दिल्ली से देहरादून के लिए आपके लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो आप उसमें रूट बांट बांट कर जा सकते हैं, पहले दूसरे स्टेशन तक, फिर वहाँ पर रुककर फिर दूसरी ट्रेन में, ऐसे ट्रेन बदल बदल कर आप जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसी में था कि बहुत सारे भाई हमारे पूछ रहे थे कि भाई रिजर्वेशन अलग अलग, जैसे कि हमारा रूट अलग अलग बदल बदल कर जाएंगे तो अलग अलग रूट के लिए रिजर्वेशन कराना होगा। तो भाई आप रूट बदल बदल कर जा रहे हैं तो आप रिजर्वेशन हर रूट के लिए ना कराएं, डायरेक्ट रिजर्वेशन कराएं। जैसे कि आपको मथुरा से मुंबई आना है तो मथुरा से मुंबई तक का डायरेक्ट रिजर्वेशन कराएं, उसके बाद आप रूट बदल बदल कर, ट्रेन बदल बदल कर जा सकते हैं। अगर आपको रिजर्वेशन कट में करना है कि आपको जनरल से जाना है पहले दिल्ली से, दिल्ली से आपको रिजर्वेशन होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर कट कर कर भी आप रिजर्वेशन करा सकते हैं, रूट बदल बदल कर भी आप रिजर्वेशन करा सकते हैं।
अब दोस्तों तीसरा जो सब तीसरा सवाल है वो है भाई, रिजर्वेशन नहीं हुआ तो सीट कैसे मिलेगी। तो भाई हमारे ये सभी का ये सवाल आ रहा है कि भाई रिजर्वेशन नहीं हो रहा है, हमारा ट्रेवल जो की है NTPC रेलवे एग्जाम जो कराता है कंडक्ट, तो उसका जो एग्जाम पड़ता है वो बहुत दूर दूर पड़ता है, करीब 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर इतनी दूर तक पड़ता है। तो हमें सीट रिजर्वेशन नहीं हुआ तो हम परेशान हो जाएंगे, हमें सीट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम तो फेस करनी होगी। ज़्यादा वैसे ज़्यादातर अब जो लोग हैं वो ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं ज़्यादा पैसे वाले हैं तो फ्लाइट से करें, नहीं तो हर कोई अपने वाहन से या फिर उससे कर रहा है, बस से ट्रैवल कर रहे हैं, दूर जाना हो चाहे पास जाना हो। तो ट्रैवल लोग कम कर रहे हैं, ट्रेन भी कम चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपको वहीं तक खड़े होकर जाना पड़े, आपको 2-3 स्टेशन तक दिक्कत हो सकती है, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी, आपको सीट मिल जाएगी। अगर सीट ना मिले तो आपको करना ये है, आपको जाना है और जहाँ पर भी आपको सीट मिले वहीं पर जाकर बैठ जाना है, जहाँ पर कोई नहीं बैठा है आप वहीं पर जाकर बैठ जाएँ, किसी की भी कहीं चाहे जहाँ पर जगह दिखे मतलब वहाँ पर ही आप बैठ जाएं, नहीं तो आप अपने साथ कुछ भी सामान ले आ सकते हैं, बिछाएं उसे और बैठ जाएं या फिर लेट जाएं आपको, क्योंकि जाना है आपको अथॉरिटी दी है रेलवे ने ले जाने की। तो दोस्तों ये बस प्रॉब्लम हो रही है कि सीट कंफर्म नहीं हो पा रही है, उसके बाद आप ट्रेन में जाकर अपनी सीट दे सकते हैं, उसे बदल बदल कर जा सकते हैं या फिर आपको मिल जाएगी वहाँ पर सीट 1-2 स्टेशन के बाद। अब दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल एक और आ रहा है क्वेश्चन, कि बहुत सारे भाई जिनने NTPC का फॉर्म तो बहुत दिनों पहले भरा था, अब वो इस समय किसी दूसरे ज़िले में तैयारी कर रहे हैं या फिर दूसरे ज़िले में किसी कहीं जॉब करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो उनका एग्ज़ाम है, जैसे कि ट्रैवल पास में उनके पास अथॉरिटी आई कि मुझे यूपी से बिहार जाना है या फिर यूपी से चेन्नई पड़ा है, और वो जॉब करते हैं या फिर पढ़ते हैं यूपी और चेन्नई के कहीं पर भी बीच में। तो वो भाई पूछ रहे हैं कि भाई मैं अपने जहाँ से जॉब करता हूँ वहीं से जा सकता हूँ कि नहीं। तो भाई अगर आप यूपी और चेन्नई के बीच में ही हैं तो आप बीच में से ही जा सकते हैं, आप वहीं उसी स्टेशन से ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी तो ज़्यादा की और आप कम ही ट्रैवल कर रहे हैं। अब कुछ भाई कह रहे हैं कि भाई हम इस समय दूसरी सिटी में, और हमारा जो सिटी से जैसे कि टाउन सिटी है, टाउन सिटी में वहाँ से पढ़ा है, जैसे कि कोई भाई मथुरा में रहता है और वो इस समय आगरा में है और उसे जाना दिल्ली है, तो वो कह रहा है कि मैं आगरा से दिल्ली जा सकता हूँ क्या या फिर मथुरा ही आना पड़ेगा। तो आप बीच में से ट्रेवल कर सकते हैं, आप पहले मथुरा आएँ और मथुरा के बाद दिल्ली जा सकते हैं, या फिर आप मथुरा से आगरा जाना चाहते हैं, तो अगर आप उसमें ये होगा कि आपके पास जब TT अगर चेक कर लेगा, रिजर्वेशन जो ट्रेवल पास है उसे चेक कर लेगा, तो आपसे ये कहेगा कि आपकी ट्रैवल तो ये यात्रा करने की रेलवे ने कहा है वो आपसे मथुरा से दिल्ली कहा है, लेकिन अगर आगरा से दिल्ली जा रहे तो अगर रूट बदल रहा है तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, नहीं तो इतनी ज़्यादा कोई नहीं पूछता है। इसका सीधा जो है वो ये है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था लेकिन अब इसमें कुछ बढ़ा रहा हूँ, इसमें यह है कि आप अगर 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर का अंतर होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जा सकते हैं। अब भाई बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि भाई हमारा स्टेशन एक ज़िले में 2-3 स्टेशन है, हम किसी भी स्टेशन से जा सकते हैं क्या। भाई आप किसी भी स्टेशन से जाएं अपने ज़िले में से, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका अगर रिजर्वेशन हो रहा है तो आप किसी भी स्टेशन से रिजर्वेशन करा सकते हैं, चाहे वो आपके ज़िले का हो, ज़िले से बाहर हो, आप कहीं से भी रिजर्वेशन करा सकते हैं। अब भाई पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन रिजर्वेशन हो जाएगा कि नहीं। भाई ऑनलाइन रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा है, जब ऑफलाइन ही नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन कैसे हो जाएगा, तो ऑनलाइन भी आपका रिजर्वेशन नहीं हो रहा है। अब दोस्तों आपका एक कॉमन सवाल है सभी का, जो कि है कि आपने अपना ट्रैवल पास देखा तो ट्रैवल पास में एक कोने पर लिखा रहा है TC सिग्नेचर, तो आपको आप पूछ रहे हैं कि TC सिग्नेचर हमें कहाँ से करानी है, पहले स्टेशन पर जाकर TC के सिग्नेचर कराने, उसके बाद ट्रैवल करना है, क्या है इसका प्रोसेस। तो दोस्तों आपको TC के सिग्नेचर आपको नहीं कराने हैं, TC आकर आपके पास खुद सिग्नेचर करेगा। वो दोस्तों कैसे कि आप जब अपनी ट्रेवल करेंगे, आप जाएंगे और ट्रेन में बैठ जाएंगे तो उसके बाद कुछ देर बाद आपके पास TC आएगा और आपसे पूछेगा क्या है आपके पास, तो आप कहेंगे मेरे पास ट्रेवल पास है, तो वो ट्रेवल पास को जैसे ही देखेगा वहाँ पर जो सिग्नेचर वाला ऑप्शन है ना, वहाँ पर TC अपने सिग्नेचर कर कर चला जाएगा। तो वो प्रोसेस है आपकी TC सिग्नेचर की, वहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे, और तो उस साइन से क्या फ़ायदा है कि अगला कोई TC आएगा तो आपको परेशान नहीं करेगा, वो सिग्नेचर देखकर आपको वहाँ से चला जाएगा और आप कहीं पर भी बैठ कर जा सकते हैं। सेकंड क्लास की किसी भी डिब्बे में घुस जाना, आप किसी भी ट्रेन में चले जाना, कोई भी सेकंड क्लास किसी भी ट्रेन में सेकंड क्लास के डिब्बे हो उसमें जाके बैठ जाना और आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब दोस्तों जो ट्रैवल पास है, ट्रैवल पास इज इक्वल टू टिकट, ये है फंडा,
रिजर्वेशन होता है और आप एक होती है आपकी टिकट और एक होती है रिजर्वेशन। टिकट और रिजर्वेशन में क्या अंतर है कि रिजर्वेशन होता है तो आपकी सीट कंफर्म है, और टिकट का मतलब है कि आपके पास टिकट तो है, यात्रा तो आप कर सकते हैं लेकिन अभी आपके पास सीट कंफर्म नहीं है, आप किसी भी सीट पर जाकर बैठ सकते हैं। तो वो ही है आपका ट्रैवल पास से, इसका मतलब कि आपके पास अब टिकट है लेकिन और आपका इस बार रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा है, तो आप टिकट से किसी भी ट्रेन में चढ़ सकते हैं, स्लीपर क्लास डिब्बे में बैठे और आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये है आपका प्रोसेस दोस्तों, आप जा सकते हैं, अपनी ट्रैवल कर सकते हैं यात्रा, और दोस्तों इसी प्रोसेस से आप वहाँ से लौट कर भी आ सकते हैं यात्रा कर। जैसे कि आपको मथुरा से मुंबई जाना है और मुंबई से मथुरा भी आप इसी प्रोसेस से आएंगे, आपको उधर से भी रिजर्वेशन नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ कॉमन सवाल जो कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, और एक और सवाल था जो कि था कि भाई मेरा डाउनलोड नहीं हो पा रहा ट्रैवल पास। तो दोस्तों उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो, इसमें आपके बहुत सारे सवाल मैं समझता हूँ कि आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल कोई और ही है तो आप उसमें भी कोई अपनी समस्या बता सकते हैं कमेंट में, मैं उसका भी रिप्लाई करूँगा। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, और दोस्तों चैनल के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।